और उसके बाद करेंगे हम लोग शोल्डर का एक्सरसाइज इसी एपिसोड में। पर चाहे जिम में आप जब भी आए, वॉट एवर वर्कआउट यूर डूइंग, द एंटायर वर्कआउट ऑफ वन आवर इज अ ब्रोकन डाउन इनटू थ्री पार्ट्स, राइट। पहले तो आपको बॉडी को वार्म करना है, उसको वार्म अप कहते हैं, फिर आपको बॉडी में वेट लिफ्टिंग करना है और उसके बाद में आपको स्ट्रेच भी करना है। अक्सर मैंने देखा है, मैं भी खुद करता था, वार्म अप नहीं, स्ट्रेच नहीं, आप बस वेट मारते रहो। एंड प्लीज डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक, आपका यू मे फेस लॉट ऑफ इंजरीज, ओके। सो आपको वार्म अप करना जरूरी है, स्ट्रेच करना जरूरी है, वरना यू मे फेस, मैंने एक बार जिंदगी में इंजरी फेस किया हुआ है एंड इट वाज रियली बैड एक्सपीरियंस, प्लीज डू नॉट एक्सपीरियंस ऑल सच थिंग्स। हमें बॉडी बनाना है, बट योर बॉडी पार्ट्स शुड नॉट बी अफेक्टेड। एंड एक और चीज सर ने भी फिलहाल रिसेंटली नोटिस की है, फ्लेक्सिंग करना भी बहुत जरूरी है, बॉडी को फ्लेक्स करना, हर बॉडी पार्ट जो हिट करते हैं ना उसे फ्लेक्स करना, ताकि वो बॉडी पार्ट शार्प हो, फैट लॉस जल्दी हो, उसकी विजिबिलिटी जल्दी आए। दैट इज व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग। सो अभी हम लोग स्ट्रेचिंग और वो सारी बातें बाद में करेंगे, स्ट्रेचिंग एंड वार्म अप, थोड़ा सा कुछ सेकंड्स बता सकते हो? वार्म अप जैसे चेस्ट का जो वार्म अप होता है, मतलब मैं वी आर डूइंग चेस्ट, ठीक है, चेस्ट वर्कआउट मींस पुशअप्स, पुशअप्स में होते हैं फ्लैट पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स, डिक्लाइन पुशअप्स एंड नीज के ऊपर खड़े होके पुशअप्स, ये एक बहुत अच्छा वार्म अप है। इवन एंटी ग्रेविटी पुशअप्स जो सर करेंगे, एंटी ग्रेविटी पुशअप्स ऊपर जाने, यू नो फ्लोर से ऊपर जाने का पुशअप, सो दीज आर द वार्म अप्स जो चेस्ट के लिए सफिशिएंट है, सर यू नो इज एक्सपर्ट इन दैट नाउ, तो लेट्स स्टार्ट। यस, डायरेक्टली डू नॉट गो फॉर वेट लिफ्टिंग गाइस, हमें करना है पहले वार्म अप, लेट्स डू इट गाइस। मैं आपको एक पुशअप करके दिखा रहा हूं, उम्मीद है आप इसे सीखोगे। ओके, तो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज सर, जब पुशअप्स चालू कर रहे हैं ना, फर्स्ट सेट जो रहेगा ना सर का, इसको भी तीन सेट्स रहेगी, फर्स्ट सेट अनलिमिटेड पुशअप्स लीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम, सर की कैपेसिटी इज टू टेक 50 पुशअप्स इन अ रो, सर इज वेरी टैलेंटेड विद दैट, बट सर अभी हम लोग सिर्फ 10 लेंगे नॉर्मली, ठीक है। तो दिस इज द प्रॉपर पैटर्न ऑफ डूइंग पुशअप्स एंड सर इज यू नो फ्लेक्सिंग हिज चेस्ट पूरा ऊपर तक, ताकि वो चेस्ट पंप हो जाए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। यू नो आप मुझे पूछ रहे थे एक चीज अबाउट यू नो हु ऑल कैन डू दिस, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि बिगिनर्स भी होते हैं, राइट, और तो फिर उनके लिए भी क्या सीन ही वर्कआउट हो, मतलब बिगिनर्स के लिए, गर्ल्स के लिए, आई मीन आई थिंक एवरीबॉडी शुड हैव सेम वर्कआउट, राइट? आई गेस यू नो देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन टू नो कि अगर आप बिगिनर है तो रिस्क ना ले, इंजरी से बचे, तो यू नो सर आपने नी पुशअप जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था एज बिगिनर्स, so please let's do that, then aap main do, okay, so knee pushups very important, aap gora ko workout karte dekh rahe hain, matlab aap samjhiye ye sauhagya hamare, bilkul agar aap beginners hote hain aap is tarah se kar sakte ho, jada pressure aapke chest pe nahi aayega, bahut sara pressure aapka kam hota hai, but agar aap acche workout karte hain to zahir si baat hai normal pushup bhi kar sakte ho, haan ji that's it। बैलेंस पर आना है बॉडी को, राइट? ओके, आप देख सकते हैं ये भी अलग फॉर्म है जहां पे हम लोग चेस्ट को अच्छा खासा वार्म कर सकते हैं। सो ये वार्म अप बहुत जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट वेट लिफ्टिंग गाइस। सो गौरव आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि आपके वार्म अप क्यों जरूरी है। सो बेशक वार्म अप करेंगे, और अब वार्म अप के बाद में आ चुकी बारी वेट लिफ्टिंग की, तो गौरव क्या वेट लिफ्टिंग हो जाए? आपका बेंच प्रेस जो हम लोग अभी लगाने जा रहे हैं, बेंच प्रेस में देयर इज अ वैरायटी, फ्लैट बेंच प्रेस, इंक्लाइन बेंच प्रेस एंड डिक्लाइन, ओके, ठीक है। सो लेट्स डू ऑल ऑफ थ्री। फ्लैट जो है आपके जो कोर पेक्टोरियल मेजर है उसको पंप करेगा, ओके, इंक्लाइन आपके अपर चेस्ट को पंप करेगा, डिक्लाइन आपके लोअर चेस्ट के फैट को प्रॉपर प्रोपोर्शनेट करेगा। सो दिस इज हाउ वी डिवाइड, एंड उसके बाद आगे की बात करें। ओके गाइस, सो लेट्स डू इट गाइस, कम ऑन, आई होप यू एंजॉय दिस। यस, हे गाइस, वेलकम बैक। सो हाउ
करेंगे शुरुआत चेस्ट के वर्कआउट के साथ में। अलग अलग वेरिएशन दोनों हमें बताने जा रहे हैं, पर याद रखे ये ट्यूटोरियल है, यानी आप उम्मीद मत करके हम लोग पूरा सारे रिपीटेशन मारेंगे, इसीलिए आपको बताने के लिए सारे फॉर्मेट समझने के लिए आप इनको फॉलो करने वाले हैं। एक एक चीज को समझने की कोशिश करके कितना हम लोग पुश कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। बॉडी का पोस्चर भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना की वेट इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है वेट के चक्कर में बॉडी के पोस्चर्स भी खराब हो जाते हैं, क्यों? वेरी ट्रू। या तो यू नो नाउ सर इज डूइंग फ्लैट बेंच प्रेस, इसकी ग्रिप से लेके लॉक लगाया है सेफ्टी के साथ। हाउ मच वेट यू आर पिकिंग सर? 1 मिनट रखेंगे। यू नो लेट मी मेंशन सर इज पुशिंग अ वेट ऑफ 20 प्लस वेट ऑफ दिस रॉड इज 20, सो सर इज पुशिंग अ वेट ऑफ 60 kg। एंड सर और ज्यादा भी कर सकते हैं बट जस्ट टू अवॉइड रिस्क फोरआर्म स्ट्रेट है ना, सेंटर ऑफ द चेस्ट पे लगा रहा है नीचे ऊपर पुश कर रहा है। व्हेन यू कम डाउन breathe in, breathe out and flex your chest. Let's do it. Come on. Okay. Come on boy. Come on. One. Very good. Smooth. Sir, ke chest se ekdam smooth. Second rep. So, you know, now you are pumping your muscles and these are major muscles. Isse aapka chest pump hota hai aur expand hota hai. Fat loss ki, you know, ashanka jo hoti hai zyada ho jati hai and you become very, very muscular, very smooth. Yes. दोस्तों एक बात बताना बेहद जरूरी है कि जब भी हम लोग कोई बॉडी पार्ट करेंगे जैसे चेस्ट करेंगे और चेस्ट में हम लोग ये करेंगे तो एक सवाल ये होता है गौरव कि कितने सेट्स करते हो? आई थिंक लगभग 3 सेट्स हम लोग करते हैं। 3 सेट्स एंड 1 वार्म अप। जी हां, 3 सेट और एक जो नॉर्मल बहुत ही कम वेट से वार्म अप राइट। पर अगेन कितना वेट लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, इट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिपेंड्स ऑन योर पावर, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। आप कितने सालों से जिम कर रहे हो वो भी तो बहुत मैटर करता है। मैं बोल दूंगा मैं 60 से मारता हूं, डजंट मीन आप भी 60 से मारें। It depends sir, come on, आप कितने वो कितना वेट मार रहे हैं इसके ऊपर don't worry about that, आपका form सही होना चाहिए right? Very important yes. You know how you flex, आपके chest के proportions कैसे निकल रहे, it's very important right? तो अब sir, you know sir generally does 3 sets, 15 reps, 12 reps, 10 reps and ये अपने weights उस तरीके से बढ़ाते हैं and now he will be doing sir try to touch this point okay? This point yeah this point the upper chest okay. And सांस अंदर बाहर as I have mentioned before and sir is going to do. Okay. What? Anyway, 60 kgs. Come on. Let's do it. What? Come on. So, देख रहे हैं sir, technically कितना अच्छा कर रहे हैं, smooth कर रहे हैं. You are just enhancing your upper pectoral major. These are the major exercises. इसी तरीके से आपको perform और है और specially आप जब जो body part करते हो उसको feel करके वहाँ पे वो आ रहा है। पानी भी पीना जरूरी है और वर्कआउट आने से पहले भाई कुछ खा कर आना जरूरी है। खाली पेट नहीं आते, आपको एप्पल खाना है, आपको प्री वर्कआउट लेना है, ये सारी बातें डाइट में डिस्कस कर जरूर करेंगे। पर लेट मी टेल यू आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपका पावर नहीं आएगा जब तक कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एसपीसी को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पर मुझे पता नहीं गौरव
जितना एक्साइटमेंट आज तक पढ़ा कर नहीं आया ना, उतना एक्साइटमेंट मुझे आ गया. एंड स्पेशल थैंक्स टू यहाँ पे मैं इमरान भाई को देना चाहूंगा, यहाँ पे अजय को देना चाहूंगा, गौरव मेरे साथ में है. इट इज द टीम वर्क एंड वी आर गोइंग टू रॉक इट. और बिकॉज आज ऐसी चीज कर रहा हूं कि लग रहा है कि मैं कुछ तो मेरे स्टूडेंट्स को वो चीज दे रहा हूं जिसके सपने में देखा करता था कि यार आई वांट टू मेक एवरीबॉडी यू नो फिट. और वो गौरव पता नहीं 100% लोग मोटिवेट होंगे करेंगे ये मैं उम्मीद भी नहीं रखता. अगर 10% लोग भी कर लेना तो हमारा ये जो आज का मिशन सक्सेसफुल हो जाए. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट फॉर्म करेंगे आइए. तो पहले तीन पार्ट होने के बाद में अब हम लोग फोकस करेंगे पेक्टोरियल माइनर टू. जी हाँ, ये वाला जो पार्ट है अब ये वर्कआउट होगा. और स्पेशली ये जो करेंगे उसके साथ आप देखते हो हमेशा चेस्ट के बीच में एक लाइन आती है, वो बड़ी ही अट्रैक्टिव लगती है. आपने यू मस्ट हैव सीन इट, आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं. पर अगर आप चाहते हो आपकी चेस्ट और अट्रैक्टिव सुंदर लगे तो ये करना चाहो. जितने वेरी जितना आप ज्यादा इसमें वेरी क्या बोलते हैं रिपीटेशन करोगे उसका आपका फायदा बहुत ज्यादा होगा. लुक एट इट, वो जो करंट और चेस्ट को बिल्कुल स्क्वीज कर रहा है. देखिए यहां पे, इधर देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, ये स्क्वीज हो रहा है. इस तरह से कुछ दबा लेना आप पूरी तरह से. लुक एट इट एंड लुक एट द पोस्चर. आपको फॉलो करना है इस वीडियो को बार-बार देखना है. आपको पोस्चर समझ में नहीं आ रहा है तो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन. चेक इट आउट, देखिए यू कैन फील इट ओवर हियर. बहुत बढ़िया गौरव की बॉडी आपने देखी है. मैं सारे स्टूडेंट की ओर से गौरव तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज इतनी बॉडी बनाई भाई तो पब्लिक को दिखाना भी जरूरी है. अगर यही चीज हम लोग अगर शर्टलेस कर दे. अच्छा शर्टलेस कर रहे हैं? नहीं मतलब हमारी रिक्वेस्ट यही है. इतनी मेहनत की है इस बच्चे ने यार. आई मीन अरे भाई खाना रोटी आपने कभी जिंदगी जिए है बगैर रोटी के? राइस ही बीन सर्वाइविंग सिंस लॉन्ग. रोटी नहीं खाता है, राइस मालूम नहीं है, कई कई महीनों से मीठा तक खाया नहीं है. ध्यान से देखिए इस चेहरे को, बहुत ही अच्छा इसका बॉडी है. ये ऐसे नहीं है, इट इज द एफर्ट एंड वी ऑल शुड अप्रिशिएट. जरूर इस वीडियो को लाइक करके उसके बॉडी और उसके एफर्ट को अप्रिशिएट करें. ये हम में से एक बंदा, एक प्रोफेशनल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बंदा आपके सामने आज शर्टलेस होने जा रहा है. प्लीज गौरव विल यू प्लीज. ओके ओके. So, मैं अपने बॉडी के इंटरमीडिएट पार्ट में हूं. सो यू नो व्हाटएवर इट इज जस्ट वेयर इट. सो दोस्तों इस बॉडी के पीछे और एक शानदार बॉडी देखना नहीं चाहोगे, स्वागत नहीं करोगे हमारा. दोस्तों लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज वेलकम वन एंड ओनली गॉस बॉडी. ओ माय गॉड, सुपर, लुक एट इट माय गॉड, एब्स गॉड, व्हाट इज दिस? ओ माय गॉड, यस. आप जरा देखिए फॉर्म, आप जरा देखिए कहां पे आपको सब. ये देखिए, ध्यान से देखिए, लुक एट दिस. और ये जितना आप रिपीटेशन करोगे उतना ज्यादा माहौल बनेगा. I hope you are able to understand. Thank you so much. Okay, so we are capturing this amazing form. सबको पसंद है. Pec deck बोलते हैं. Sir कर रहे हैं एकदम smoothly. Center of the chest को squeeze कर रहे हैं. जो major muscle है उसको pump करके minor muscle को tone करने की कोशिश कर रहे हैं. That is what we are doing. Breathe in, breathe out, flex your muscles. इसमें आप कितने भी repetitions लगा सकते हैं. Sir एकदम technically करें करें. That is what you are going to do. Chest की toning और chest की sexy appeal इससे आती है. Never stopping. So ladies and gentlemen, once again welcome in the second episode of New Fitness Series for Students and Professionals. दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत मजा आ रहा होगा और आप अपने दोस्तों के साथ में, रिलेटिव्स के साथ में, सबके साथ में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसको शेयर करेंगे. So, दोस्तों आप करेंगे कुछ खास वर्कआउट. इसके पहले आपने देखा कि चर्च को कैसे हम लोग वर्कआउट करें. अब बात ये आती है शोल्डर की. अब आपको गौरव समझाएं कि अगर शोल्डर क्यों इतना इंपॉर्टेंट है एंड हाउ टू ट्रेन योर शोल्डर. सो लेडीज एंड जेंटलमैन लेट्स फोकस ऑन शोल्डर. शोल्डर मसल्स बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं टी शर्ट के अंदर एंड स्लीवलेस के अंदर खास. अभी आप थोड़ा सा इसे हाईलाइट करके देखेंगे तो सर के शोल्डर जितने हैवी हैं, आर्म्स को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड दैट इज द ब्यूटी कि शोल्डर के साथ आपके आर्म्स भी बिल्ड होते हैं. और गौरव कई बार ऐसा लोगों को लगता है कि ये बाइसेप्स ही अट्रैक्ट करते हैं बट लेट मी टेल यू गाइस बाइसेप की कोई इज्जत नहीं जब तक शोल्डर अच्छा. आई मीन ये जो दिख रहा है ना
इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द बाइसेप, इट इज बिकॉज ऑफ द शोल्डर ऑल्सो. सो लेट्स फोकस. अगर आप चाहते हो आपके आर्म्स बहुत अच्छे दिखे, आप हाँ स्लीव्स पहनते हो या फिर आप स्लीवलेस पहनते हो, तो अगर आपको उसको चमकाना है ना, तो आपका ये भी अच्छा होना जरूरी है. कंधे मजबूत तो दुनिया आपकी मुट्ठी में. क्या बात. सो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं द वर्कआउट ऑफ शोल्डर. लेट्स डू इट कस्टमर. जैसे कि हमने पहले भी कहा था, कोई भी मसल करने से पहले उसके तीन बातें याद होनी चाहिए. आपको पहले वार्म अप करना है, फिर उसका वेट ट्रेनिंग करना है, और उसके बाद में स्ट्रेचिंग करना है. तो आज हम लोग चेस किए हैं शोल्डर के. इनका जो स्ट्रेचिंग होगा वो एंड में है. अब आप शुरुआत करना चाह रहे हो शोल्डर से, तो इसका वार्म अप भी तो जरूरी है. आप देखते हैं कुछ अनोखी एक्सरसाइज आपको गौरव दिखाएंगे. कुछ कहते हैं पाइक. पाइक होता है पुशअप यहां पे आपके सामने. गौरव करके दिखाएंगे. गौरव प्लीज लेट्स डू इट. काफी मुश्किल है वैसे. Only Gaurav can do it. मेरे को भी बहुत difficult जाता है वैसे. Look at this. Look at this. जरा देखिए. This is the way you have to train your, you have to do the warm up of the shoulder. जरा ध्यान से देखिए. काफी मुश्किल है ये शुरुआत में करने के लिए, but उम्मीद है आप ये try करो तो हो ही जाएगा. Very good Gaurav. Thank you so much. बहुत ही अच्छा लगा. ये है warm up आपका shoulder का. नहीं ये बात बहुत जानना जरूरी है कि आखिर हमें कितने घंटे वर्कआउट करना है. दो बॉडी पार्ट के लिए एक घंटा ही आपको वर्कआउट करना, बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है. उसके साथ साथ आपको ये भी जानना है कि अगर आप जब दो रेपिटेशन दो सेट करते हो, तो दो सेट के बीच में 20 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं होना चाहिए. ये नहीं कि आप अपना बिल्कुल एक सेट कर लिए, बिल्कुल दोस्तों से मिल रहे, दैट शुडंट हैपन राइट. सो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं वंस अगेन हमारा फेवरेट मसल शोल्डर के साथ में. शोल्डर में मिलिट्री प्रेस हैज टू बी योर मेजर एक्सरसाइज, और ये मेजर एक्सरसाइज आपके ट्रैप्स, आपके डेल्ट, साथ साथ आपके जो एकदम हेवी शोल्डर को दिखाने की कोशिश करता है. सर आप देख रहे हैं ऊपर तक फ्लेक्स कर रहे हैं, नीचे इसको शार्प कर रहे हैं. फ्लेक्स शार्प, ठीक है. इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, सब एकदम बैलेंस में. उसी से ये शार्पनेस जो आपको दिख रही है सर, ये शार्पनेस परफेक्ट लगती है. एंड बेस्ट पार्ट इज इसमें आप कितना भी हेवी उठा सकते हैं. जी हाँ, थैंक यू. लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट. इतना प्यारा मसल, कितने अच्छे से फ्लेक्स हो रहा है. नाउ टेक्निकली करेक्ट ही इज, इससे आपके शोल्डर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रैप के साथ टोन होते हैं. मेक श्योर यू आर डूइंग बैकवर्ड मिलिट्री प्रेस. आपने इतने मेजर मसल्स देख लिए, आप उसको टोन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है. सर ने शोल्डर के दो फॉर्म्स किए, अब तीसरा फॉर्म कंपाउंड एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें साइड एंड फ्रंट दोनों करेंगे. आप सर के ट्रैप्स देख रहे हैं, यू नो हाउ शार्प इट इज, एंड सर यू नो हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू टोन योर बॉडी. तो आप सिर्फ उठा लेंगे वेट्स और टोन नहीं करेंगे तो यार क्या फायदा. ओके लेट्स डू इट. Let's do it. Side raise and front raise. Okay. Combination. आप इसे maximum reps में cover करेंगे. Sir के technical analysis को देखिए. आप studies में follow करते हैं. आप real life में sir को देखेंगे. Okay. Come on sir. One. Okay. Front. Good. 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 Side. 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 Hold. Down. Perfect. Front. कितने प्रॉपरली, कितने आराम से सर के जो ट्रैप मसल्स है एकदम फ्लेक्स होकर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड नीचे आ रहे हैं. इन शॉर्ट ये पीक पकड़ेगा, ये ऊपर आएगा और ये आपके टी शर्ट के लुक को एकदम सेक्सी बनाएगा. एंड सर यू नो एट दिस अमेजिंग अमेजिंग वर्कआउट सेशन बैंड बजा दे रहे हैं यार. वर्कआउट की बहुत मजा है. बूम बायस, सबसे लास्ट फॉर्म की ट्रैप्स को निचोड़ डालेंगे. पसीना तो इतना छूट ही गया है और अब सर इज लिफ्टिंग. ट्रैप कंसंट्रेशन श्रग्स, चलिए सर श्रग्स लेंगे. तो लास्ट एक्सरसाइज इन शोल्डर एकदम अच्छे से लेंगे, प्रॉपरली टेक्निकली गुड. सर इज होल्डिंग इट अपवर्ड्स, नीचे ले रहे हैं, एकदम फ्लेक्स कर रहे हैं. इससे आपकी शोल्डर एंड आर्म्स दोनों पंप होते हैं. मेक श्योर यू नॉट फॉल्टिंग इट कि सिर्फ शोल्डर्स पे, अपर बॉडी को निचोड़ डाल रहे हैं. Very good. Come on. Come on. Shabash, shabash. Last two, last two, last two. Last two. क्या बात है? शानदार, शानदार. अच्छा.
चलिए आराम से रखेंगे। परफेक्ट परफेक्ट ओके। इतना अच्छा जोरदार वर्कआउट किया, चेस्ट कवर किया, शोल्डर्स कवर किए, इतना मेजर पार्ट हिट करने के बाद, वार्म अप करने के बाद जिस सर ने बताया, वर्कआउट वेट्स के साथ स्ट्रेचिंग के बिना अगर आप करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा यार, स्टार्टर्स का लिया, मेन कोर्स का लिया, डेजर्ट के बिना मजा आएगा। प्लीज आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना स्ट्रेचिंग हुए बगैर वर्कआउट को फिनिश मत करना। ऐसे ही चक्कर में मैंने अपना स्लिप डिस्क करवा के लिया था। गाइस इट वाज रियली डिफिकल्ट टाइम फॉर मी, आई हैड टू स्टॉप माय वर्कआउट फॉर 6 मंथ्स। सो प्लीज मेक श्योर, थोड़ा वर्कआउट कम हो तो चलेगा बट आपको स्ट्रेचिंग करना जरूरी है। गौरव प्लीज चलिए, तो अब एकदम प्रॉपर फर्म और नाइस स्ट्रेचिंग करते हैं। लास्ट 2 मंथ्स गाइस करूंगा सर, साथ में करेंगे, दैट विल बी नाइस। ठीक है, और प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट एपिसोड जिसमें हम लोग कवर करेंगे बाइसेप एंड ट्राइसेप्स गाइस। ये सीरीज श्रृंखला हमारे साथ चलते रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज जरूर शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, उसको भी आप लाइक कर सकते हो, swapnil_partner गौरव का, द गौरव शिल्पानी अंडरस्कोर जैन। यस गाइस, तो बताएं कि गौरव कैसे कर सकते थे सर, पेंड लेफ्ट वर्ड्स और हाथों को एकदम अच्छे से फ्लेक्स करें, सेम इस साइड में करें और नीचे जाके 5 सेकंड्स तक होल्ड करें, इससे आपका ये पार्ट फ्लेक्स हो जाएगा। इसके बाद हम आर्म्स को ऐसे रखेंगे और 60 काउंट पर होल्ड करेंगे, पूरा पेन चला जाएगा और एंड में रोटेट करके इसे डाउन करेंगे। ओके, इसके बाद ऊपर एंड ट्राई टू टच योर टोज, बिगनर्स के नहीं जाते तो धीरे 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 ऐसे ऐसे करते करते आप लोग नीचे तक जाएंगे। ओके सर, जरूर आर्म्स को ऐसे रखेंगे, प्रेस करेंगे, नीचे से प्रेस करेंगे, सेम ऑन दी अदर साइड ऑफ योर हैंड, फ्रंट में ऐसे प्रेस करना है, अगेन आपके पूरे शोल्डर्स को फ्लेक्स करना जरूरी है चेस्ट के साथ, मेजर मसल्स है, कभी भी ढीला ना छोड़े, बैकवर्ड्स पोजन अवॉइड करते हैं, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आपके साथ पार्टनर है ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने यू नो खींच सकते हैं ताकि ये पूरा रिलीज हो जाए, जितना भी पेन आपने सहा है पूरे वर्कआउट में, यू हैव टू रिलीज इट एंड देन एंड में रोटेशन ऑफ योर हैंड्स आराम से धीरे 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 एंड बैकवर्ड्स। हमने इतने मेजर मसल स्ट्रेन किए, अब इसको स्ट्रेच करके पहले ना यू नो इफ यू हैव अ गुड पार्टनर सर उधर टर्न हो जाएंगे, उस तरफ टर्न हो जाएंगे, हाथ दोनों मुझे पीछे दे देंगे, लेट मी फ्लेक्स पीछे तक जब तक आपको पेन ना हो, मुझे बोल सकते हैं एंड द मोमेंट पेन हो रहा है ओके रिलीज, ज्यादा स्ट्रेन ना लगाए, उसके बाद इसी को लूज छोड़े एकदम हाथ को एंड ऊपर अपवर्ड्स अपवर्ड्स पुश करेंगे धीरे 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 ओके यू नो ये शोल्डर्स को तो फ्लेक्स कर देगा, चेस्ट को करेगा, मगर यू नो चेस्ट पार्ट के लिए आप यहां हाथ प्रेस करें और अपने आप को आगे तक ले जाए, आगे तक ले जाए, लेके जाइए लेके जाइए लेके जाइए, स्ट्रेच इट, दिस इज हाउ यू रिलैक्स योर चेस्ट एकदम आराम से, मेटाबॉलिज्म को जिस स्पीड से हमने ऊपर ले गए थे उससे ही कम करेंगे। ओके, आपके हैंड्स लीजिए, आपकी शोल्डर एंड चेस्ट दोनों को रिलीज करेगा ये। ओके, यू नो यस पूरा यस परफेक्ट, जितना अभी तक हमने यू नो वेट ट्रेनिंग की थी, हर चीज की फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, अब इससे आपका पूरा चेस्ट बैकवर्ड फ्लेक्स होगा, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, हैंड रोटेशन पूरे शोल्डर मूवमेंट के लिए, वेरी नाइस, सेम फ्रंट। अब नॉर्मल स्ट्रेचिंग यू नो इस पोर्शन को पूरा बैकवर्ड स्ट्रेच करने के लिए आगे फ्लेक्स बैकवर्ड फ्लेक्स बैकवर्ड, ये चेस्ट को जो कंट्रैक्शन हमने किया था उसको रिलीज करने के लिए एंड लास्ट बट नॉट रिलीज पूरा बॉडी ऊपर स्ट्रेच करके ऐसे चलना है for as much as you can. So I hope दोस्तों आपको ये भी समझ गया होगा
कि जितना आवश्यक आपके लिए वार्म अप है, जितना आवश्यक आपके बॉडी को ट्रेन करना है वेटलिफ्टिंग से, उससे ज्यादा भी इंपॉर्टेंट मैं सोचूंगा कि स्ट्रेच करना जरूरी है, बिकॉज आपके बॉडी में अभी फ्लेक्सिबिलिटी, कभी हड्डियां टूटने का या फिर मसल ब्रेक होने का कोई स्कोप नहीं बचेगा। सो दोस्तों, आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, उम्मीद है कि हम लोग आने वाले वीडियो में आप तक बहुत सारा नॉलेज बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को ट्रेन करने के लिए करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टे ट्यून्ड एंड आर गोइंग टू वॉच एपिसोड नंबर 3। Yes. Are you ready, guys? I am ready. So please, those who are interested, please comment box में जरूर लिखिए you're interested. Would you like to watch bicep and tricep? And please, please, please do follow it, guys. आप जब भी जिम करोगे, आप जब भी वर्कआउट करोगे, तो इनको जरूर देखें। एक स्वस्थ रहे, एक तंदुरुस्त रहे। एक छोटा सा फैक्ट सर के बारे में बता देता हूँ। जाते-जाते ये जितना भी वर्कआउट है ना, सर नेचुरली कर रहे हैं। देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ स्टेरॉइड। नेचुरली इतना अचीव करना बहुत मुश्किल है, तो हमारे मसल्स उतने बड़े मैच्योर नहीं लगेंगे, मगर हम लोग एकदम अच्छी फिटनेस की तरफ, एकदम नॉलेजेबल फिटनेस की तरफ आपको डाइवर्ट करना चाहते हैं। और जरूर दोस्तों, फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि क्या खाना है, क्या पीना है, प्रोटीन क्या होता है, कैल्शियम क्या होता है, सारी चीजें, मल्टीविटामिन क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग आपको हर चीज के ऊपर आपको खुलासा करेंगे। आपको देखना होगा हमारे आने वाले उस एपिसोड्स को। पहले शुरुआत कर रहे हैं हम लोग बॉडी ट्रेनिंग के साथ में, बॉडी लिफ्टिंग के साथ में, वेट लिफ्टिंग के साथ में, उसके बाद में डाइट को भी आपको देखना जरूरी है। अगर आप सिर्फ इन एपिसोड को देखोगे और डाइट नहीं देखोगे, देन लेट मी टेल यू गाइस, इट्स नो यूज। Very important. Yeah, guys, thank you so much. Bye bye. See you in the next episode. Peace.